जो हमारी भगोड़ी विधायक सुमित्रा काजडेकर, जो उन्हें कांग्रेस छोड़ने के बाद में उन्हें डर लग रहा था, तो बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में, लाव लश्कर के साथ में उन्होंने नेपा नगर विधानसभा में आगमन किया और हमारे कमलनाथ जी के ऊपर और कांग्रेस की 15 महीनों की सरकार के ऊपर जो आरोप लगाया है, तो उन्हीं आरोपों का जवाब देने के लिए आप लोगों को और प्रेस वार्ता बुलाने का लक्ष्य रखा था। क्योंकि 15 महीने में इन्होंने जो मलाई खाई, सत्ता का सुख भोगा, उस समय इनको सरकार में कोई खराबी नहीं दिखी, कमलनाथ जी में कोई खराबी नहीं दिखी। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से लेन देन करके भाजपा ज्वाइन करी इन लोगों ने, तो उस समय हमारी सरकार में और हमारी पार्टी में सारी कमियां दिखने लगी इनको। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से 4 दिन पहले तक इन्होंने जो भागे हुए विधायक थे और सिंधिया जी थे, उनके खिलाफ में कोसा सुमित्रा ने। और अचानक क्या हुआ, जो कितने में सौदा हुआ भाई तुम्हारा, कि जो आपको कांग्रेस पार्टी, बात काटना चाहूंगा मैं, कहना चाहता हूँ कि नेपा नगर के पूर्व विधायक मंजू दादू ने जिस प्रकार से इनके जाति प्रमाण पत्र, नकली नोट, इस प्रकार के मामले कहीं ना कहीं पर उजागर करने की बात की थी, न्यायालय तक गए, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं दबाव में और कई बड़ी डीलिंग या डीलिंग तो नहीं हुई है उसमें? दोनों बातें हैं, एक तो इनका फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला था और नकली नोट बनाने का काम में इसके जो पति देव लिप्त थे वो भी एक मामला था, और ऊपर से इनको पैसा मिल गया, क्योंकि इन्होंने पैसा ये 15 महीनों में जो सरकार में जो पैसा कमाया, जो 20% कमीशन लिया, अधिकारियों से पैसा लिया, हॉस्टलों से पैसा वसूला, पंचायतों से पैसा वसूला, थाने से पैसा वसूला, ये तो इतने बड़े डाकू निकले कि इन्होंने थाने वालों से भी पैसे ले लिए भैया, IRTO से पैसा लिया, बाजारों में जो बाजार हाट लगते थे, जो पशु जो जाते थे यहाँ से महाराष्ट्र में, उनसे पैसा इन लोगों ने लिया। और जैसी सरकार गई, लॉकडाउन लगा, तो इनको ऐसा लगा कि अब कहीं वसूली होना नहीं है, तो वहाँ से जब बड़े पैकेज का कहीं ऑफर आया, हमें तो ऐसा पता चला है कि इनको 35 करोड़ का ऑफर आया था और 35 करोड़ में इनका सौदा हुआ है। क्या कहेंगे आप उस प्रकार के कोई आरोप जो जिस प्रकार से BJP ने लगाए थे वो खत्म हो जाएंगे, तो उन आरोपों को लेकर कहीं ना कहीं आप भी पहल करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने पहले जो आरोप लगाए थे और आज उनकी सरकार पार्टी में जाने के बाद में, अब वो अगर कोई वैसे वो कोई कार्रवाई तो करना नहीं है उन लोगों ने, मगर हम करेंगे, हम हाईकोर्ट जाएंगे और सुमित्रा देवी के पूरा पानी का पानी और दूध का दूध करवाएंगे। सर, क्या लगता है कि बुरहानपुर जिले में जिस प्रकार से कांग्रेस नेतृत्व कहीं ना कहीं यहाँ पे कमजोर नजर आ रहा है? नहीं, कांग्रेस कोई कमजोर नहीं है, कांग्रेस अपनी जगह मजबूत है। अब आज आपने देखा होगा कि हमारे साथ में संगठन के लोग नहीं है, तो एक हमारे जो जिला अध्यक्ष है उनके मौसा जी की अंत्येष्टि में वो शामिल हुए थे, और जो शहर अध्यक्ष थे वो क्वारंटाइन है अभी। क्या नेपा नगर में लोकतंत्र की हत्या नहीं की, जनता का विश्वासघात नहीं हुआ? विश्वासघात हुआ है, वहाँ का जनादेश बेचा है सुमित्रा ने, एक एक वोट को बेचा है, क्योंकि वहाँ पे बड़े अपेक्षा के साथ में इन लोगों को वोट दिए थे और इसको विधायक बनाया था। ये तो एक साधारण महिला थी, जो कांग्रेस पार्टी ने इसको जमीन से आसमान पर बिठा दिया। इसके पति देव वेटनरी में नौकरी करते हैं, ये 15 महीनों से कोई काम नहीं कर रहे, घर बैठे तनख्वाह ले रहे, सत्ता का सुख भोग रहे हैं। इन्होंने नेपा नगर नगर परिषद में 2 अपने करीबी लोगों को नौकरी पे रखा, वो तो नाम मात्र के नौकरी पे रखा, और उनके नाम पे 10,000 रुपये महीने की तनख्वाह निकाली। आगे किस प्रकार से उपचुनाव की तैयारी चल रही है आप लोगों की? आगे नेपा नगर विधानसभा कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी और नेपा नगर में जिसका विधायक उसकी सरकार। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? वहाँ पे मुद्दा यही रहेगा कि इन्होंने जनादेश को बेचा है, कांग्रेस के साथ में धोखा किया है, और जो 15 महीनों में जो भ्रष्टाचार किया है सुमित्रा देवी काजडेकर ने, उसको जनता के बीच में लेके जाएंगे। नेपा नगर के पूर्व विधायक, इन्होंने आज प्रेस वार्ता अपने घर पे बुलाई थी, मेरे को भी बुलाया था इन्होंने प्रेस वार्ता, सीनियर होने के प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते बुलाया। सुमित्रा देवी काजडेकर ने कल जो कहा कि कांग्रेस ने मेरा काम नहीं किया इसलिए मैं कांग्रेस छोड़ के चले गई, इसलिए जवाब देने के लिए उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई थी और बहुत माकूल और सही जवाब दिया। मेरा यही कहना है कि यदि उसका काम यदि किसी संगठन में किसी ने नहीं करने दिया तो उसका नाम बोले, किसने भ्रष्टाचार किया उसका नाम बोले। ये कहने से बच नहीं सकती कि कमलनाथ जी ने मेरा काम नहीं किया, कमलनाथ जी गलत काम तो कर नहीं सकते। जो गलत काम अगर तू करती होगी या कराना चाहती होगी या किए होंगे तो उनके नाम बता, ऐसा जबरदस्ती आरोप लगाने से तो निर्माण कार्य। जो विधायक नीति की जो बात आई है, नेपा नगर विधानसभा की विधायक श्रीमती सुमित्रा काजडे द्वारा खुलेआम 20% की डिमांड की गई और जब मना किया गया तो काम देने से भी मना कर दिया। मतलब विधायक रहते उन्होंने वसूली की? बिल्कुल वसूली की है, थाने से, फॉरेस्ट से, पंचायतों से और सरपंचों से।
आप किसी तरह की कोई शिकायत करने जाएंगे इसके खिलाफ? शिकायत करने गए थे लेकिन...